राजस्थान में भाजपा की दूसरी सूची के लिए प्रत्याशी चयन के लिए प्रदेश भाजपा कोर कमेटी दिल्ली में दो दिन तक दिन रात जुटी हुई है। पहले गुरुवार और फिर शुक्रवार को कई चरणों में ही कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश में प्रत्याशी चयन रणनीति में कुछ बदलाव करने पर मंत्रणा हुई है। सूत्रों के मुताबिक चर्चा हुई कि विधायकों का टिकट उसी स्थिति में काटा जाए जब या तो किसी कारण से बेहद जरूरी हो या फिर जनता में उस विधायक की छवि नेगेटिव हो। बताया जा रहा है कि भाजपा 61 में से 63 विधायकों के टिकट रिपीट कर सकती है। हालांकि करीब 9 सीट ऐसी हैं जिन्हें फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। वहीं दूसरी सूची में ज्यादातर विधायकों के नाम होने की संभावना है। पहली सूची में 41 टिकट बंटवारे के बाद बनी स्थिति का आंकलन करने के बाद नए सिरे से प्लानिंग की गई है। वहीं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है और अब प्रत्याशी सूची कभी भी जारी हो सकती है। आपको बता दें कि अपने आप में बड़ा दिन है यहां पर बीजेपी के लिए, प्रदेश भाजपा के लिए, क्योंकि दूसरी सूची का लंबे समय से इंतजार चल रहा है और पहली सूची के बाद में जो बवाल मचा, जो कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा पार्टी को, जो विधायकों का विरोध झेलना पड़ा पार्टी को, उसे अभी फिलहाल बचना चाहेगी पार्टी। और यही कारण है कि दूसरी सूची के लिए इतनी कवायद की गई है, इतना प्रयास किया गया है और इतनी बैठकों का दौर चला है ताकि आपसी जो मनमुटाव हो वो पैदा ना हो, अंतर्कलह ना हो और इस प्रकार की मनमुटाव की घटनाओं की वजह से कांग्रेस को इसका फायदा ना मिल जाए। कहीं ना कहीं ये मंथन का निचोड़ है और यही कारण है कि इतना समय यहां पर लगा और यही कारण है कि लंबा इंतजार यहां पर हो गया है। हालांकि आज मुहर लग सकती है सूची पर जिसका लंबे समय से इंतजार है और जिसको लेकर लगातार कार्यकर्ता और नेता दिल्ली के दौड़ लगा रहे हैं। प्रदेश भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सूची में वो शामिल हो जाए, यानी कि जो दूसरी सूची है जिसमें कई नामों की उम्मीद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कई वो चेहरे होंगे जो पहले भी हमें देखने को मिले हैं। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा अपडेट के लिए दिल्ली से हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवनीत, पूरी कोशिश की जा रही है, मंथन किया जा रहा है कि बीजेपी की जो दूसरी सूची है उसमें किसी भी प्रकार का मनमुटाव ना झलके, किसी भी प्रकार की नाराजगी ना झलके, यानी कि पहली सूची में जो सबक मिला उसकी वजह से इतनी देरी हो रही है। क्या कहेंगे, क्या लगता है? हाँ, देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा मुख्यालय पे आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 10 से 15 मिनट पहले स्टार्ट हुई है और इससे पहले लगातार दो दिनों तक राजस्थान कोर कमेटी, जो बीजेपी की कोर कमेटी है, उसकी लगातार दो बार बैठकें हुई। कल जो चुनाव प्रभारी है प्रहलाद जोशी, उनके घर पे लंबी बैठक चली 5 से 6 घंटे और आज दोपहर में एक बार फिर होमवर्क हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे। तो लगातार दो कोर बैठकें दो दिनों के अंदर हुई। इसके पहले 17 अक्टूबर को भी एक बार बैठक हो चुकी है। इससे आप स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान को के टिकट को तय करने में किस तरीके से परेशानी पार्टी को सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिताऊ उम्मीदवारों पर किस तरीके से दांव लगाएं और ऐसे उम्मीदवारों को हम टिकट दें जिसका कम से कम विरोध हो, क्योंकि टिकट के कई दावेदार होते हैं, किसी एक को मिलता है तो 10 लोग नाराजगी जताते हैं, लेकिन एक सर्वमान्य उम्मीदवार कैसे तय किया जाए उसको लेकर के पार्टी लगातार कोर कमेटी की बैठकें हुई है और लगभग कोर कमेटी ने टिकट तय कर लिए हैं। करीब 159 सीटें अभी बची हुई हैं जिसमें सभी का मंथन हुआ, 70-80 टिकट लगभग फाइनल हो गए हैं। वो सूची आज पीएम के सामने पेश हो रही है और उस पे उम्मीदवारों के नाम जाएंगे। और ये भी है, जिस तरीके से पहली सूची जारी हुई है, कुछ बड़े चेहरे इस सूची में भी उनके नाम शामिल होंगे, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो या कोई केंद्रीय मंत्री हो या सांसद हो। नवनीत, पहली सूची में 7 सांसदों के नाम शामिल थे, क्या लगता है दूसरी सूची में भी ऐसे चौंकाने वाले नाम शामिल हो सकते हैं, बड़े विचार किए जा सकते हैं, क्या लगता है? निश्चित तौर पे जो पार्टी का आप एक पैटर्न आप देखेंगे, मध्यप्रदेश से अगर आप स्टार्ट करें, छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करें, तो बड़े चेहरों को पार्टी ने 80 सीटों पर उतारा है। पार्टी का मानना है कि आसान सीटों पर तो किसी को भी लड़ा दे हम जीत सकते हैं, लेकिन जो 80 सीटें हैं उसपे बड़े जो चेहरे हैं अगर हम उनपे करते हैं तो वो कुछ सीटें हमारे लिए जोड़ सकते हैं। उसी पैटर्न को देखते हुए पहले एमपी छत्तीसगढ़ और इसके बाद राजस्थान में भी पार्टी ने दांव खेला है और जिस तरीके से 7 सांसदों को, 41 सीटों में से 7 सांसदों को टिकट मिला है,
इस बार भी उम्मीद है कि इसमें भी दो से तीन सांसदों के नाम इस सूची में भी हो सकते हैं, कम से कम इसमें केंद्रीय मंत्री भी हो सकते हैं, तो बड़े चेहरे इस बार भी इसमें है, ये पूरी तरीके से तय है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये प्रयास ये इसीलिए इतने हो रहे हैं और इतना मंथन इसीलिए हो रहा है कि आपसी जो मनमुटाव है उसे भी दूर किया जा सके, और जो पहली सूची के बाद में जिस प्रकार का माहौल बना, तमाम दिग्गज नेता कोशिश में जुटे हैं कि इसे सबक लिया जाए और आगे संभल के आगे बढ़े। दूसरी सूची को लेकर क्या लगता है नवनीत, कितने नाम इसमें शामिल किए जा सकते हैं, कितनी जो पहली सूची के बाद में कितनी अभी गुंजाइश अभी बच जाती है दूसरी सूची में? देखिए अभी क्या है, 200 सीटों में से 41 सीट का उम्मीदवारों के नाम पहले सामने आ चुके हैं 9 अक्टूबर को ही। अब जो अभी पार्टी ने 159 सीटों पर सब कुछ पार्टी ने सारी संभावनाओं पर विचार कर लिया है, लेकिन अभी क्या है 70 से 80 सीटों पर लगभग फाइनल पार्टी जो है निर्णय ले चुकी है 70 से 80 सीटों से। तो जो दूसरी सूची है, दूसरी सूची में भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि 50 से 60 लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अभी कांग्रेस ने कोई टिकट अभी डिक्लेयर नहीं किया है, कांग्रेस की सूची आज आ सकती है, कल आ सकती है, जब भी आ सकती है, तो थोड़ा सा बीजेपी कांग्रेस की सूची का भी वेट कर रही है। तो ऐसे में बीजेपी कोई एक या दो दिन के अंदर सारे टिकट नहीं डिक्लेयर करने वाली है, टुकड़ों टुकड़ों में ये करेंगे, लेकिन ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि दूसरी जो सूची होगी वो कम से कम पहली सूची में जितने नाम है उससे कहीं ज्यादा ही होंगे। नवनीत, इसके साथ ही अगर पिछले रिकॉर्ड की और हम नजर डालें, पिछले कुछ जो रैलियां हुई हैं उन पर नजर डालें, तो बहुत से राजस्थान से जुड़े हुए ऐसे नेता हैं जिनको लेकर समर्थक अपने हिसाब से उनकी नारेबाजी कर रहे थे, अपने हिसाब से उन्हें अपने आप में मुख्यमंत्री के रूप में, उस चेहरे के रूप में दर्शा भी रहे थे, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हों, राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो, या फिर अन्य दिग्गज नेता हों जो कि राजस्थान की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हों, या फिर स्वयं सीपी जोशी हों। तो ऐसे में इस बिंदु के लिए क्या किया जा सकता है, क्या लगता है आपको, पार्टी इसको लेकर क्या मंथन कर रही है? देखिए, जितनी भी कोर कमेटी की मीटिंग्स हुई है उसमें पार्टी नेतृत्व ने दो टूक कहा है कि आप लोग गुटबाजी से दूर रहिए, क्योंकि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है, ऐसे में सामूहिक नेतृत्व के साथ ही आपको चुनाव मैदान में जाना है। जहां तक की पार्टी नेताओं, पार्टी शीर्ष नेतृत्व का ये कहना है कि चूंकि राजनीति में जो भी नेता आते हैं उनकी महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, हर नेता महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा पार्टी के रोडमैप में आड़े ना आए। सबको महत्वाकांक्षी होकर के वो अपने लिए लॉबिंग कर सकते हैं, अपने लिए जो है क्या कुछ अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है, उसके लिए अपनी वो पैरवी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, नारेबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन कोई पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर कोई ऐसा कदम ना उठाए। अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो उनके खिलाफ पार्टी अनुशासनात्मक भी कार्रवाई कर सकती है। तो पार्टी प्रदेश इकाई को पूरी तरीके से कहा गया है कि सभी नेताओं को चिन्हित करें, ऐसे वो नेता अगर पार्टी जो भी अधिकृत उम्मीदवार है, पार्टी जिनको लड़ाती है आधिकारिक तौर पे, अगर उनके खिलाफ कोई कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी कार्यकर्ता हो मिलता है उसे चिन्हित किया जाए, पहले उसे नोटिस दिया जाए, अगर संतोषजनक जवाब नहीं होता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये तमाम प्रयास जरूर यहां पर किए जा रहे हैं और महामंथन एक प्रकार से कहा जा सकता है नवनीत। लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर भी मैं आपसे सवाल चाहूंगा कि जवाब आप उसका दें, ये ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर हो या फिर राहुल गांधी के नए भाषणों को अगर हम देखें तो जातिगत समीकरणों को लेकर वो लगातार बोल रहे हैं, ओबीसी के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, तो ऐसे में क्या समझ आता है कि जिस प्रकार से 13 जिले जो कि सीधे तौर पर ईआरसीपी से प्रभावित हो रहे हैं और बाकी जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये हो जाता है, तो क्या लगता है कि ये समीकरण भी बड़ा बदलाव देख यहां पर दिखा सकते हैं सूची में, क्या लगता है? देखिए, जो बीजेपी की रणनीति है वो ये है कि बीजेपी ने क्या है, अपने को आप देखेंगे पिछले 2014 के बाद से तो पार्टी ने जो एक बार माना जाता था कि बीजेपी पे टैग लगा है कुछ जातियों की पार्टी होने का, खासतौर से जो सवर्ण जातियों का टैग लगा हुआ था, उससे पार्टी पूरी तरीके से मुक्त हो चुकी है। अब जिस तरीके से पार्टी के पास ओबीसी चेहरों को लगातार प्रमोट कर रही है, दलित चेहरों को प्रमोट कर रही है, आदिवासी चेहरों को प्रमोट कर रही है, तो पार्टी पूरी तरीके से एक सोशल इंजीनियरिंग जो है उसको बहुत बीजेपी लगातार जो है फोकस कर रही है। और अभी राजस्थान में भी जिस तरीके से पहली सूची आप देखें उसमें लगभग हर जाति, राजस्थान में जितनी भी जातियों का वर्चस्व है, आमतौर पर जो किंगमेकर जो जातियां हैं उनको काफी वहां पे सबको तवज्जो मिली है। तो ऐसे में जो जिस तरीके से कांग्रेस इस बार लगातार एक जाति जनगणना
वो एक बड़ा मुद्दा बना रही है। और कांग्रेस का ये मानना है कि जिस तरीके से भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पे लगातार चुनाव दर चुनाव सफलता हासिल कर रही है, तो हम किस तरीके से हिंदुत्व कार्ड को कैसे हम जाति कार्ड से डिफर करें, तो भाजपा इससे चौकन्नी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस जाति कार्ड को कुंद करने के लिए उन्होंने मोदी गारंटी वर्ड इस्तेमाल किया। मोदी गारंटी का मतलब है, उनका ये कहना है कि जो सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ हमने सभी जातियों को दिया है, किसी के साथ हम भेदभाव नहीं किया है। तो उनका ये कहना है कि जो लाभार्थियों की इससे जुड़ी योजनाएं हैं, हम जो है उस पर हम उसके जरिए हम चुनाव में जाएंगे। और भाजपा क्या है, भाजपा को ये पता है कि अगर हम जातियों के ट्रैक में अगर फंसेंगे तो जाहिर सी बात है कि नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा क्या है, सभी जातियों के साथ लेकर के वो हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा इसलिए चलती है कि ताकि सारी जातियां उसके पीछे हो जाए। तो ऐसे में भाजपा कभी उस जाति मुद्दे के ट्रैप में नहीं फंसना चाहती है, और भाजपा न खुल करके जाति जनगणना का विरोध करती है और न ही उसका समर्थन करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी एमपी में एक रैली हुई थी, जब ये जाति जनगणना के आंकड़े आए थे बिहार सरकार ने जारी किए थे, तो उनका कहना था कि अपोजिशन अभी भी उसी जातिवाद की बात करता है, अभी भी वो लोग उसी माइंडसेट से काम कर रहे हैं और वो देश में जो है जाति जाति खेल रहे हैं, जबकि हमारा काम जो है गरीब कल्याण। तो एक प्रकार से जो जाति जनगणना के शुक्रिया नवनीत तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। इसी प्रकार से दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी आप पहुंचाते रहिए, अपडेट आप पहुंचाते रहिए। आपको बता दें कि हर किसी की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार से हलचल बीजेपी खेमे में है और जिस प्रकार से मनमुटाव अंतरकलह है, इससे पहले पहली सूची के जारी होने के बाद में देखने को मिला, तो ऐसे में अब इस सूची में आलाकमान एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, और यही कारण है कि इतना समय इस सूची को जारी होने में लगा। और अब उम्मीद की जा रही है कि उस समय आ गया है कि जब वो सूची जारी हो जाए और जब वो तमाम नाम शामिल आए जो कि दूसरी सूची में यहां शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं।